आज ये कारपोरेटर्स के इनिशिएटिव पे महेशपुरा चौक में ये धरना भी काफी देर तक रहा और सारे चौधरी द्वारका हो, बानू महाजन हो, और भी हमारे साथी चरणजीत जी हो, रितु चौधरी हो, शोभत अली हो, सारे कारपोरेटर जवाहर रविंदर जमाल हो, इन सारों ने सुनीता शर्मा, ये सब लोगों ने मिलकर ये नीम को और ज्यादा तेजी पकड़ पाए, सोनिका शर्मा, सब लोगों ने मिलकर और मैडम बल्ली जी, सारे साथियों ने, तो इन सारे साथियों ने कॉर्पोरेटर्स की तरफ से आज ये प्रोग्राम था अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज किया ताकि हम सेक्रेटरी का ग्राम करते हुए अपनी बात को बुलंद कर पाए कि हर तबका कॉर्पोरेशन में रहते हुए कॉर्पोरेटर्स भी उतने चिंतित है जितनी पीसीसी की लीडरशिप चिंतित है। हम मिलजुल के इस कारवां को, इस आवाज को, जो गरीब आवाम को, जो जिस ढंग से वो उस चक्की में पीसी चली जा रही है, उसको दबाने का प्रयास भी आपने देखा कि पुलिस प्रशासन के जरिए हर बार, चाहे भी आप गवर्नर साहब के पास जाए तब भी पुलिस का वहां पर जमावड़ा था, आज सेक्रेटरी की तरफ जमावड़ा, ये जमावड़ा हमारी आवाज को दबा नहीं सकता, हमारी आवाज और तरीके से निकलेगी, तेज तरीके से निकलेगी ताकि गुंगी बैरी सरकार को जगा पाए। और मैं समझता हूँ कि कॉर्पोरेटर्स के इनिशिएटिव की हम सराहना करते हैं। कांग्रेस की जो पार्टी है वो प्रोटेस्ट करेगी, हमारी हम स्ट्रगल से निकले, हमारे 30 मार्च तक को ये प्रोग्राम है, अगर ये सरकार ने रोल बैक नहीं लिया प्रॉपर्टी टैक्स का और समय सही था प्रॉपर्टी टैक्स लागू कर लागा जा रहा है, ये समय ठीक था भाजपा को जिसने हमने वोट दिए जम्मू के अवाम ने उसमें तेजी से प्रॉपर्टी टैक्स, टोल प्लाजा, लूट सूट की सरकार और सूट बूट वाली सरकार दिखाई, अंबानी अडानी की सरकार दिखाई, गरीब आदमी की सरकार दिखाई दी नहीं थी, कोई एक्शन उनकी तरफ से नहीं दिखाई दिया कि गरीब आदमी अपने आप महसूस करे कि सरकार उनके हाथों में सुरक्षित है। लेकिन अफसोस की बात है, जिन लोगों को चुन के 25 विधायक भेजे, मेंबर पार्लियामेंट भेजे, पीएम हाउस में आदमी यहाँ पे बैठा है, सवाई टोल प्लाजा के टैक्स की बोछार के, दूसरा कुछ भी हम लोगों को नहीं मिला और आज लोग महसूस करते हैं कि हम लोग ठगे गए, घुमराह हो गए। जम्मू में वापिस लो।